All right, dear ones, I'm Harun Aslam and you're watching English Educator on my YouTube channel. And today I'm here with you with second lesson of English vocabulary. And today we are going to learn some other spoken English words which are very commonly used in our daily language. So today's vocabulary consists of mood and it is mood vocabulary. Aaj main aapko batane wala hoon ki mood ko kaise hum explain karenge, kaun se words hain jo hum use karenge. And there is another thing, speak English with just one phrase. Yes, you're going to speak English with one phrase and that phrase is I am. Is phrase ko aap use karke English bolna seekhenge, to aaiye shuru karte hain. So the first word is purjosh, enthusiastic, enthusiastic. And sentence is I am enthusiastic, main purjosh hoon. घर जाने के लिए बेचैन या बीमार वतन, होम सिक. तो जो शख्स घर जाने के लिए बेचैन होता है उसे होम सिक कहते हैं. आई एम होम सिक, मैं घर जाने के लिए बेचैन हूँ. शदीद गुस्से में होना, तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड है बिटर, BITTER. बिटर का मतलब तल्ख भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है शदीद गुस्से में होना. आई एम बिटर, मैं शदीद गुस्से में हूँ. द नेक्स्ट वर्ड इज़ नहायत उदास, डाउन एंड ब्लू. दोनों को आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम डाउन एंड ब्लू. नाकाबले शिकस्त, इनविंसिबल, जिसे शिकस्त ना दी जा सके उसे कहते हैं इनविंसिबल. आई एम इनविंसिबल, मैं नाकाबले शिकस्त हूँ. तजस्सुस करने वाला, मुतजस्सुस. तजस्सुस क्या होता है जी? तजस्सुस होता है किसी चीज़ को जानने का शौक, और उसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्यूरियस. आई एम क्यूरियस. द नेक्स्ट वर्ड इज़ मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, लेफ्ट आउट. आई एम लेफ्ट आउट, मैं मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया गया हूँ या नज़रअंदाज हूँ. आई एम लेफ्ट आउट. नेक्स्ट वर्ड इज़ शदीद गुस्से में होना. एक और हम इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे, फ्यूरियस. पीछे हमने पढ़ा था बिटर और अब है फ्यूरियस. आई एम फ्यूरियस, मैं शदीद गुस्से में हूँ. नेक्स्ट वर्ड दुनिया से बेजार, और इसके लिए इंग्लिश वर्ड है विदड्रॉन. आई एम विदड्रॉन, मैं दुनिया से बेजार हूँ. उसके बाद है जी सर चकराना या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करना. तो इसके लिए एक ही वर्ड है और वो वर्ड है गिडी. पहले हम इसको यूज़ करेंगे खुशी के मीनिंग में. आई एम गिरी टू सी यू, मैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ या बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ. दूसरा है आई एम फीलिंग गिडी, मेरा सर चकरा रहा है. उसके बाद है जी कंजूस. कंजूस के लिए वर्ड है माइजर लेकिन यहाँ पे है स्टिंजी. आई एम स्टिंजी, मैं कंजूस हूँ. ढीठ, ज़िद्दी या अखड़ मिजाज, इन सब के लिए एक ही वर्ड है, वो है स्टबर्न. स्टबर्न, I am stubborn, मैं ज़िद्दी हूँ या ढीठ हूँ या अखड़ मिजाज हूँ. बहुत ज़्यादा थका हुआ. Exhausted, वर्ड है exhausted. I am exhausted, मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, थका हुआ हूँ. Smart, fashionable, ये पहले ही इंग्लिश के वर्ड्स हैं और इनके लिए एक और वर्ड है natty. I am natty, मैं smart या fashionable हूँ. हवास बाख्ता, ये बहुत ज़्यादा घबराया हुआ. नॉन प्लस्ट, इसके लिए वर्ड है जी नॉन प्लस्ट. आई एम नॉन प्लस्ट, मैं हवास बाखता हूँ या बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ. उसके बाद है बहुत ज़्यादा खुश. ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन, ये idiom है. आई एम ऑन क्लाउड नाइन टुडे, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. फिर खुशी के लिए एक और वर्ड, बेहद खुश या बहुत ज़्यादा खुश. ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ या बेहद खुश हूँ. तबीयत ख़राब होना, बीमार होना, अंडर द वेदर. आई एम अंडर द वेदर दीज डेज, आजकल मेरी तबीयत ख़राब है. थोड़ी तबीयत ख़राब होना या मूड ख़राब होना, उसके लिए वर्ड है जी आउट ऑफ सॉर्ट्स. आउट ऑफ सॉर्ट्स, आई एम आउट ऑफ सॉर्ट्स, मेरा मूड ख़राब है. खुश और पुरजोश, उसके लिए वर्ड है चिपर. चिपर, आई एम चिपर टुडे, मैं बहुत खुश और पुरजोश हूँ. अफसुरदा या रंजीदा, उसके लिए वर्ड है सॉम्बर. स्पेलिंग दोनों के डिफरेंट हैं लेकिन मीनिंग सेम है. आई एम इन सॉम्बर मूड, मैं अफसुरदा हूँ. दोनों स्पेलिंग्स आप यूज़ कर सकते हैं. मुँह लटकाना या जले भुने रहना या रूखापन दिखाना, सल्किंग. सल्किंग, आई एम सल्किंग,
आई एम सल्किंग।